अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माजी का किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि रमज़ान सीरीज़ चल रही है, तो उसके अंदर मैंने आपके लिए ऑरेंज स्क्वैश बनाया है। तो ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने तकरीबन 3 किलो के करीब ऑरेंजेस ले लिए थे, तो उसका हमने जूस निकाल लिया है। तो अब ये सब्सक्राइब का बटन देख लीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पॉट लेकर मैंने उसके अंदर ये सारा जूस ऐड कर दिया है। तो तकरीबन ये 3 किलो में मेरे ख्याल में 1.5 किलो के करीब जो है ये ऑरेंजेस का जूस निकला था। और इसके अंदर मैंने 1/2 kg के करीब, तकरीबन 2 कप से थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने शुगर ऐड कर दी है। बस इसके अंदर सिर्फ इतने ही इंग्रेडिएंट्स हैं और बस यही हमारा प्योर जूस होगा। अगर आप इसको रमज़ान में बनाएंगे तो आपको एनर्जी और बहुत ज़्यादा, मतलब आप अपने सामने बना रहे हैं, साफ़ सुथरी चीज़ बना रहे हैं, आप बनाएं भले बाज़ार से भी लें, लेकिन आप इसको भी ज़रूर बनाकर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी थी। और ये हमने इसको बॉयल आने तक पकने के लिए छोड़ दिया है। तो आप इसको अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे और इसके थिक होने का वेट करेंगे। और जब तक ये बॉईल आता रहेगा, तकरीबन ये 30 मिनट तक, मतलब 30 मिनट आधा घंटे तक ये पकता रहा था। तो ये देखें, इसके ऊपर जब तक ये झाग आ रही है, समझे ये कच्चा है। जब ये ट्रांसपेरेंट होने लगेगा तो फिर ये हमारे पकने के नज़दीक होगा। ये देखें, ये तब तक पकता रहा था। फिर उसके बाद ये आधे घंटे के बाद मिलते हैं, ये आधे घंटे के बाद मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था 1/2 teaspoon के करीब। और फर्स ये देखें, इसका झाग जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो ये हमारी रेसिपी थी। जल्दी से आप मेरी रेसिपी को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर लीजिए। और ये स्क्वैश आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपने सामने बिल्कुल प्योर जूस निकाल रहे हैं, आपके सामने इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई हार्मफुल कोई चीज़ नहीं डली हुई, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब इसको हम ठंडा होने का वेट करेंगे और फिर हम इसको प्रिजर्व करके रख देंगे। आप चाहें तो इसको रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, और अदरवाइज़ आप इसको बाहर भी रख सकते हैं 3 महीने तक। तो ये देखें, मैंने इसको ठंडा होने के बाद देखें कितना थिक हो गया, लेकिन अभी भी ये नीम गर्म है। मुझे वीडियो को अपलोड करना था तो मैंने बस इसको जल्दी जल्दी के अंदर आपको दिखा दिया है। और अब इसके अंदर मैं आपको एक ग्लास बनाकर भी दिखाती हूँ। तो तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसको ग्लास में ऐड किया है। और अब इसके अंदर मैं ठंडा ठंडा पानी ऐड करूँगी और बस इसको आइस क्यूब्स के साथ हम सर्व कर देंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपका ऑरेंज स्क्वैश कैसा बना था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और आने वाली रेसिपी को भी फॉलो करती रहिएगा और अपने कमेंट्स में इसका इजहार कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इतना मोहब्बत और इतना प्यार देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।